हाय फ्रेंड, आई एम सनी कपूर। दोस्तों, आप तो मुझे जानते ही, मैं डायरेक्टर हूँ, राइटर हूँ, बॉलीवुड में प्रोड्यूसर भी हूँ और एक्टिंग स्कूल भी मेरा चलता है, ये भी आप जानते हैं, कलर्स एक्टिंग क्लासेस के नाम से। दोस्तों, फिल्म एक्टर बनना मतलब परफेक्ट होना। आप परफेक्ट होंगे तभी आप फिल्म और टीवी सीरियल एक्टर बन पाएंगे, लंबे समय तक काम कर पाएंगे। और उसके लिए आपको हर चीज़ की मालूमात होना चाहिए, हर चीज को आपको कई तरीके से करना आना चाहिए। जैसे एक डायलॉग है, कोई भी डायलॉग है, मान लीजिए वो गुस्से का डायलॉग है और डायरेक्टर कहता है कि ये डायलॉग है सर आपका कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और लेकिन आपको बहुत नॉर्मली कहना है, तो आपको आना चाहिए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये डायलॉग को आप कई तरीके से बोल सकते हैं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कई तरीके से बोल सकते हैं, आपको आना चाहिए हर तरीके से। और यही डायलॉग नहीं, मैं आपको दूसरा एक डायलॉग बताता हूँ, मेरी फिल्म का है, जिसमें एक करेक्टर बड़े आत्मविश्वास से दूसरे करेक्टर को चेतावनी देता है। डायलॉग ये है, मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी मौत देखने के बाद ऊपर वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा कि तू मरा कैसे, और खुद नीचे आकर मुझसे पूछेगा कि ये भैया इसे मारा कैसे रहे? तो ये डायलॉग है जो मेरी फिल्म का है, तो मैंने अपने तरीके से बुलवाया, दूसरा कोई डायरेक्टर होता तो अपने तरीके से बुलवाता। तो आर्टिस्ट को हर तरीके से बोलना आना चाहिए, और ये डायलॉग जो है ये गुस्से में भी बोला जा सकता है, रोते हुए भी बोला जा सकता है, डर के भी बोला जा सकता है, तो आपको ये डायलॉग हर तरीके से आना चाहिए और कॉमेडी में भी आना चाहिए। अगर आप इसी डायलॉग को हर तरीके से बोल लेते हैं तो समझो आप परफेक्ट एक्टर हैं। जैसे देख लीजिए, ये डायलॉग मैं आपको हर तरीके से बोल के बताता हूं, मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी मौत देखने के बाद ऊपर वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा कि तू मरा कैसे, और खुद नीचे आके मुझसे पूछेगा ये भैया इसे मारा कैसे। अब यही डायलॉग डर के कैसे बोल, मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी मौत देखने के बाद तो ऊपर वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कि तू मारा कैसे, और खुद नीचे आके मुझसे पूछेगा कि हे भैया ऐसे मारा कैसे। तो डायलॉग का मीनिंग कुछ और था, लेकिन आप डर के भी बोल सकते हैं डायलॉग, आपको आना चाहिए। ऐसे डायलॉग को आप रोते हुए भी बोल सकते हैं, देखिए रोते हुए कैसे बोलेंगे, भैया मैं तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा कि तुम्हारी मौत देखने के बाद ऊपर वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा कि तुम मरे कैसे हो, और खुद नीचे रखे मुझसे पूछेगा कि है भैया इसे मारा कैसे। आप रोके भी बोल सकते हैं, आपको आना चाहिए, मीनिंग कुछ भी हो लेकिन आपको एक ही डायलॉग को हर तरीके से बोल के आना चाहिए। इसी डायलॉग को आप रोमांटिक अंदाज में भी बोल, मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी मौत देखने के बाद ऊपर वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा कि तू मरा कैसे, और खुद नीचे आके मुझसे पूछेगा कि दे भैया इसे मारा कैसे। तो ये डायलॉग वही था, लेकिन आप इस डायलॉग को हर तरीके से बोल लेंगे तो आप परफेक्ट एक्टर बनना शुरू हो जाएंगे। इसी को हंसते हुए बोल सकते हैं आप मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी लाश देखने के बाद ऊपर वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा कि तू मरा कैसे, और कोई नीचे आके मुझसे पूछेगा कि ये भैया इसको मारा कैसे। इसी डायलॉग को आप कॉमेडी के अंदाज में भी बोल सकते हैं, मैं तुझे ना ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी मौत को देखने के बाद ना ऊपर वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा कि तू मरा कैसे, और फिर नीचे आके खुद मुझसे पूछेगा कि तू मरा कैसे। तो इस डायलॉग को आप हर तरीके से बोल सकते हैं, आपको बोलना आना चाहिए। हालांकि डायरेक्टर आपको ये कॉमेडी में नहीं बुलवाएगा ये डायलॉग, या रोते हुए शायद ना बुलवाए, या रोमांटिक में नहीं बुलवाए, लेकिन आपको एक डायलॉग को हर तरीके से बोलना आना चाहिए। जब आपको हर तरीके से एक ही डायलॉग को बोलना आएगा, उसका मीनिंग कुछ भी हो, तो आप एक्टर अच्छे कहलाना शुरू कर। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आर्टिस्ट अटक जाता है कि नहीं सर ये तो गुस्से का डायलॉग है, ये मैं शांति से कैसे बोलूं, सर ये तो रोमांटिक डायलॉग है, ये मैं गुस्से में कैसे बोलूं। तो समझ लीजिए कि वो कच्चे एक्टर होते हैं,
अच्छा एक्टर वही होता है जो डायलॉग कुछ भी हो, जैसा डायरेक्टर बोले, जिस अंदाज में वो बोले, बुलवाना चाहे डायरेक्टर, वैसा बोलते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ेगी, सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे कलर्स एक्टिंग में हम लोग यही सब कुछ सिखाते हैं दोस्तों, कि मीनिंग कुछ भी हो, डायलॉग कुछ भी हो, आप एक ही डायलॉग को हर तरीके से बोलने की आदत डाल लीजिए। फनी देखेगा लोगों को, लोगों को लगेगा क्या है ये, तो गुस्से वाला डायलॉग है और ये हंसते हुए बोल रहा है या कॉमेडी करते हुए बोल रहा है, लेकिन आप कितने परफेक्ट एक्टर कहलाएंगे। एक डायलॉग जिसका मीनिंग कुछ है और आप उसको दूसरे अंदाज में बोल रहे हैं, दूसरे अंदाज में भी आपको बोलना आता है। ये जितने परफेक्ट एक्टर हैं लोगों को, गोविंदा साहब, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जी, अनुपम खेर जी, ये किसी भी डायलॉग को किसी भी अंदाज में बोल लेते हैं। आप लोगों ने वीडियोज़ देखे भी होंगे इन लोगों के, इसीलिए ये लोग परफेक्ट एक्टर कहलाते हैं। और साथ में डायलॉग बोलते समय आपको कैमरा टेक्निक की बहुत नॉलेज होनी चाहिए, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा उसका, कि आप कैसे खड़े हैं तो कैसे दिखेंगे, आपके ऊपर कैसे लाइट्स आ रही। जैसे इस तरफ से मेरे पास लाइट आ रही है, अगर मैं पूरा चेहरा यहाँ कर लेता हूँ तो यहाँ मेरा शेडो दिखना शुरू हो जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा यूँ रहना ताकि मेरी ये लाइट्स आई, ये जो हेयर पे आप लाइट दिख रहे हैं ये इस तरफ से लाइट दिखेगी। तो ये लाइट का नॉलेज और मैं कैमरे में कितना दिख रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए। अब कई बार होता है कि आप टाइट क्लोज में हैं और आप हाथ पर हिलाना शुरू कर देते हैं जो कैमरे में दिखते ही नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त मेरा टाइट क्लोज चल रहा है, तो मुझे सिर्फ अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से ही एक्टिंग करनी है, मुझे हाथ पैरों का इस्तेमाल करना ही नहीं, क्योंकि करूँगा तो दिखेंगे नहीं और करूँगा तो मेरा जो फ्रेमिंग है वो भी गड़बड़ा जाएगा, अच्छा नहीं दिखेगा, रिटेक भी हो सकते हैं और काम भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो यही टेक्निकल चीज़ें, यही नॉलेज हम कलर्स एक्टिंग क्लासेस में सिखाते हैं दोस्तों। तो अगर आप भी फिल्म एक्टर बनना चाहते हैं, टीवी सीरियलों में काम करना चाहते हैं, तो कलर्स एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करिए। कलर्स एक्टिंग क्लासेस में हम अपने अनुभव के आधार पर आपका सही मार्गदर्शन भी करेंगे और आपको वो चीज़ें सिखाएंगे जिसकी ज़रूरत आपको फिल्म और टीवी सीरियल के कैमरे के सामने एक्टिंग करते समय पड़ेगी। हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाते हैं दोस्तों कलर्स एक्टिंग क्लासेस में, थ्योरिकल हम लोग ज़रा दूर रखते हैं। मैं खुद डायरेक्टर हूँ इसलिए मैं समझता हूँ कि एक एक्टर, नया एक्टर जब कैमरे के सामने जाता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो मैं उसी चीज़ों को समझ के एक्टिंग सिखाता हूँ दोस्तों। तो ज्वाइन करिए कलर्स एक्टिंग क्लासेस। कलर्स एक्टिंग क्लासेस का नंबर है 9892266936, नंबर रिपीट 9892266936। तो दोस्तों इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का, अगले वीडियो में इसी तरह हम लोग फिर कुछ बात करेंगे, तब तक के लिए बाय। आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं ना, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए नए वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। देखते रहिए सनी कपूर एंटरटेनमेंट।